हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम निकल चुके हैं, आज फैमिली टूर का प्लान नहीं था। मैं और ऋतिक निकल चुके हैं कहीं घूमने और इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को टेस्ट करने कि कैसा इसका व्यू आता है, कैसा ये चलता है, माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि कैसे काम करता है। ये पहली बार है तो इसको टेस्ट करना भी हो जाएगा और हम कहीं घूम के भी आ जाएंगे। अभी कुछ सोचा तो नहीं है कहाँ जाना है, बस निकल चुके हैं। पहले जाएंगे स्कूटी में, थोड़ा पेट्रोल कम है, पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद देखते हैं। जहाँ भी जाएंगे बस हमारे साथ बने रहिएगा, आपको भी पूरे व्यू दिखाते जाएंगे, रास्ते का आनंद लीजिएगा। हमारे साथ घूमिए उदयपुर, उदयपुर दर्शन में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कोई उदयपुर घूमने आए तो उनको भी पता लगे कि कहाँ कहाँ उदयपुर में घूमने की जगह है, कैसे कैसे घूमना है, क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं, या फिर किस किस जगह हम कैसे कैसे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ जो आ रहे हैं वो अनसब्सक्राइब लोगों के ज़्यादा हैं। लोग वीडियो तो देख रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। पेट्रोल डलवा चुके हैं, टंकी पूरी करवा चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं। रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करिए, तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा के लिए जाएं, गणपति मंदिर में जाएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले बोरा गणेश जी जाके आते हैं, क्योंकि उदयपुर में ये देखिए कि लगभग जितनी भी नई गाड़ी या कुछ भी नई चीज़ें आती है वो एक बार बोरा गणेश जी लगे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को, तो सबसे पहले सपोर्ट भी उनका ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपना चैनल भी ग्रो करना है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि उदयपुर में बोरा गणेश जी का मंदिर कौन सा है, कहाँ पे है। और जो उदयपुर के हैं उनको तो पता ही होगा कि बोरा गणेश जी की कितनी अहमियत है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बोरा गणेश जी। अभी मुझे सेटअप का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा व्यू आ रहा है, कैसा एंगल दिख रहा है इसमें, क्या क्या दिख रहा है, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ये भी पता नहीं है मुझे। तो जैसा भी व्यू हो फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा। ये आ गया अंडरपास प्रताप नगर, और ये हम चल पड़े बोरा गणेश जी की ओर। ये देखिए लद्दाख की तरफ वाटर क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पे। लद्दाख वाले फ्रेंड्स कैन रिलेट मी। ये आ चुका है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। चलो चलते हैं बोरा गणेश। इससे बहुत सी यादें जुड़ी है मेरी बचपन की, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करी है मैंने, काम किया है मैंने। यहाँ पे मैं काम करता था, जब 12th के एग्ज़ाम हो चुके थे उसके बाद पापा के साथ आता था, पापा गार्डनिंग का काम करते थे तो मैं भी हेल्प करवाता था उसमें। तो मैं यहाँ बहुत आ चुका हूँ, बहुत सी यादें हैं मेरी यहाँ से। ये आ चुका है बोरा गणेश जी का मेन रोड, ये रोड सीधा बोरा गणेश जी ले जाएगा हमें। सबसे पहले हमें जाना है बोरा गणेश जी। ये हम पहुंच चुके हैं बोरा गणेश जी मंदिर। हम पहुंच चुके हैं बोरा गणेश जी मंदिर। आज संडे है फिर भी थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है। अब हमें जाना है अंदर, अब हम जाएंगे अंदर। गाड़ी कहाँ खड़ी करें, नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत भीड़ है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे।
सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, उसमें बहुत प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यह है बोरा गणेश जी मंदिर। ये उदयपुर का बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर है, ये देख सकते हैं माता बोरा गणेश जी मंदिर। हमने कर लिए हैं इसके दर्शन, अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहाँ जाना है। और सबसे पहले तो एक काम है कि GoPro वाला डाटा उसमें ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एक साइबर कैफ़े पे। यहाँ बोरा गणेश जी में भी एक साइबर कैफ़े है, तो हम जा रहे हैं उसी तरफ। अगर हमें PC खाली मिलता है तो हम डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा उसमें। GoPro में खूब सारा डाटा हो चुका है यार, अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं। ओ शिट, ये साइबर कैफे बंद है, ये इधर है पर ये बंद है लग रहा है, इसलिए यहाँ से हम आगे जाएंगे। आगे और कौन सा अरे यार ये तो बंद था, अब दिक्कत हो जाएगी ना, डाटा नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो अटी अटी हम बैठ के आते हैं। एक इधर और था तो सही, PC का साइबर कैफ़े है, तो देखते हैं अगर मिल जाता है तो हमारा काम आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लूबर्ड कंप्यूटर से पढ़ लीजिए, वो सामने ब्लूबर्ड कंप्यूटर दिख रहा है, मैं कांच खोल के चला रहा हूँ तो आँख में कुछ गिर गया यार। तो अब साइबर कैफे तो मिला नहीं है हमें, कोई डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। या तो उनको समझ नहीं आ रही कि हमें करवाना क्या है, GoPro का नाम से उनको अजीब समूह बना रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा GoPro है क्या। अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं। एक्चुअल ना दिक्कत ये है कि संडे है तो सारे लगभग शॉप्स भी बंद है, और हमने कल करवाया नहीं, कल गए थे पूछने पर वो कल शॉप बंद थी तो कल हो नहीं पाया, और हमने सोचा कि बोरा गणेश जी से करवा लेंगे, तो इसी चक्कर में हम बोरा गणेश जी तो आ गए, पर बोरा गणेश जी में हो नहीं रहा डाटा ट्रांसफ़र, अब क्या करें। 15 से 20 मिनट का स्टोरेज बचा हुआ है इसमें, ये है बोरा गणेश जी का गेट, मेन एंट्रेंस है सिटी के साइड से आते हैं तो। ये है महासतिया जिसको गंगोद्भव कुंड कहा जाता है, ये गंगा जी का चौथा पाया भी कहा जाता है। जब भी गंगा जी दर्शन करके आते हैं तो यहाँ पे डुबकी लगाना और यहाँ पे दोग देना जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं, राजाओं महाराजाओं की, उनकी फैमिली वालों की, सबकी छतरियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए ये इसका एंट्रेंस है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। वैसे ज़्यादा कोई टूरिस्ट आते तो नहीं है, बट ये ऐसे देखा जाए तो काफ़ी हेरिटेज
रिच है, ये बहुत ही पुराने सिनोटॉप्स हैं। सिनोटॉप्स यानी कि कहा जाए तो छतरियाँ, जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा जो हुआ करते हैं उनके परिवार वालों की सबकी छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पे। बहुत ही शानदार सेटअप हो रखा है यहाँ पे। प्रोटेक्टेड साइड से है। इसको महासिकिया नाम से भी जाना जाता है। गौतम शिव मंदिर है यहाँ पे। शिव मंदिर बनाया हुआ है, ये कुंड है जहाँ पे नहाया करते थे। शिव मंदिर है। यहाँ पे भी शिव मंदिर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था गंगोत्रव कुंड जो हमने आपको दिखाया। यहाँ पे राजा महाराजाओं की बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं और एक कुंड बना हुआ है जहाँ पे चार धाम की यात्रा करने के बाद या गंगा जी की यात्रा करने के बाद यहाँ पे आके डुबकी लगाना ज़रूरी समझा जाता है। तो जो भी यात्रा जाते हैं वो एक बार यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए ज़रूर आते हैं। हमने आपको कुंड दिखाया, जो आपने सिनोटॉप्स देखे हैं, इतनी बेहतरीन कारीगरी कर रखी है। उस टाइम में कितने अच्छे कारीगर रहे होंगे, कितने अच्छे इंजीनियर रहे होंगे कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से नक्काशी कर रखी है, इतनी बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना दिखा रखा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।